महाराष्ट्र के फटाफट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के नए वेरिएंट ने दी भारत में दस्तक। मुंबई में मिला एक्सी और कप्पा का पहला केस। संजय राउत की संपत्ति कुर्क करना अन्याय है, पीएम मोदी से मिलकर बोले शरद पवार। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने अनिल देशमुख को किया गिरफ्तार। बीजेपी का है अगर घर घर ईडी का प्लान तो जनता करे बगावत, शिवसेना ने किया ऐलान। ईडी जांच पर मंत्री छगन भुजबल का तंज, 3 साल से सरकार गिराने की कोशिश, केंद्र के खिलाफ बोलने पर हो रहा मुकदमा। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल पर मुंबई हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 15 अप्रैल तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम। महाराष्ट्र में पड़ रही भीषण गर्मी, मौसम वैज्ञानिक ने जारी किया येलो अलर्ट। बीजेपी नेता मोहित कम्बोज को बीएमसी ने जारी किया नोटिस, फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कराने का आरोप। कश्मीर फाइल से भी बड़ी फाइल है INS विक्रांत फाइल, बीजेपी नेता के सुमैया पर आरोप लगाते हुए बोले संजय राउत। 50 रुपए से कम का पेट्रोल नहीं मिलेगा, तेल को लेकर होने लगा झगड़ा तो पंप मालिक ने लगाया नोटिस। ऐसे ही तमाम अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए एंटी करप्शन न्यूज के साथ।